This is Gonka Laddu. Gonka Laddu. Yes. For? जिनके लिए बन रहा हूँ, जिनके जिनके बर्तन आए हैं दिवाली पे और छठ में प्रसाद जहाँ जहाँ से आए हैं उसको बर्तन लौटाने हैं। ओके, तो बर्तन लौटाने की तैयारी है, तो उसमें गोंद का लड्डू जा रहा है। आप कुछ कंजूस लोग शक्कर भी डाल के दे सकते हैं, बट आप कंजूस नहीं है। नहीं, कंजूस। तो कैसे बन रहा है ये गोंद का लड्डू, क्या हम जान सकते हैं? इंग्रेडिएंट्स, मल्टीग्रेन आटा, यस, घी, यस, गोंद, शक्कर, ओके, पीसा हुआ शक्कर, ओके, ड्राई फ्रूट्स, ओके, काली मिर्च। अच्छा, ये सारी चीजें इसमें है। तो स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले घी को गर्म करना है। मतलब अगर 1 किलो आटे का है, 1 किलो घी, ओके, 1 किलो आटे, 1 किलो आटे का बना रहे हैं तो 1 किलो घी कंपलसरी है। ओके, फिर उसको कम आंच में घी में पहले गोंद को तल के निकाल लेना है। ओके, फिर आटे को एकदम कम आंच में सेकना है, ठीक है, जब तक वो लाल नहीं हो जाता। फिर क्रश किया हुआ नारियल, हाँ, और बाकी के ड्राई फ्रूट्स, ये सब मिक्स करना है। और फिर देखो ऐसे ये बादाम, ये क्रंची ऐसे लगा के बिल्कुल बांध लेना। तो बस इतना ही? तो ये इसमें जितना मिक्सचर था वो सारा तैयार कर दिया और इसको एक साथ मिक्स कर दिया। और ये बांधना कैसे है? अच्छा, उसमें एक काजू ऐड किया और एक आलमंड, ये दोनों सिर्फ सुंदर दिखे इसके लिए। ओके, सुंदर दिखे इसके लिए। और उसको बांध लेना है ऐसा। इसमें ये काली मिर्च भी है। ओके, तो ये क्या खाने में अलग टेस्ट आता है? कुछ टेस्ट आता है लड्डू में, काली मिर्च कंपलसरी है। ओके, तो जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको एक एक नया रेसिपी मिल गया होगा जो लोग नहीं जानते होंगे, और खास करके जो यंगस्टर हैं वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत इजी है ना बनाने का। ओके, सो बर्तन लौटाना ऐसे ही नहीं चाहिए। बर्तन आपके घर में अगर आए किसी का, तो कुछ ना कुछ बना के ऐसे ही कुछ मम्मा की तरह तैयारी करके, या तो गोंद का लड्डू या तो एनीथिंग, भर के ही लौटाना चाहिए। ये आज की सीख है मेरी कि बर्तन खाली नहीं लौटाना चाहिए। ओके मम्मा, यू नो व्हाट, आई एम गोइंग टू पोस्ट इट on my Instagram IGTV. ओके, ठीक है मम्मी। तो अब ये धीरे धीरे करके नियर अबाउट 100 पीस तैयार हो जाएगा या उससे भी ज्यादा हो गए? 70-80 हो गए। वाह, अमेजिंग, नाइस। बट थोड़ी सी लाइट कम है शायद, इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है, तो ठीक है। अब ये धीरे धीरे करके ये भी प्लेट पूरा भर जाएगा। इट इज लुकिंग अमेजिंग। मुझे लगा था ये हम लोगों के लिए बन रहा है, बट ये प्लेट लौटाने के लिए बन रहा है। तो इसमें से एक भी टच भी नहीं कर सकते हैं क्या हम लोग? ऐसे टच भी नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकती है। हाँ, प्लेट लौटाने के बाद तो बेसिकली वही हुआ ना, प्लेट लौटाने के लिए ही तो बन रहा है। ओके, ठीक है,
जब बच जाएगा उसमें से, बच जाएगा उसमें से ले सकती वो, मतलब बचे हुए में से हम लोग आते हैं क्या? मैं बबल मैं, ठीक है मम्मा, ठीक है मम्मी, ये भी दिन याद रहेगा एक सीख के साथ। बाय बाय। और ये मम्मी के हाथ का गोंद का लड्डू बड़े ही तेज़ी के साथ रफ्तार थामे हुए बनने को तैयार हो चला। वैसे पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं वो हमारे यहाँ जो खाना बनाती हैं वो पटर 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 किए जा रही हैं, प्लीज़ अवॉइड करिएगा। फाइनली मम्मी के हाथ का लड्डू रेडी।